तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे वीकली टेक न्यूज के एपिसोड नंबर 8 में। एंड इस वीक भी काफी सारे अपडेट्स हैं जिसमें से मेजर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है हमारे फीचर कमेंटर्स का नाम लेने का। तो इस वीक के भी हमारे तीन फीचर कमेंटर्स हैं, जिनमें पहले आते हैं संदीप कुमार, दूसरे हैं तमको उमेको और तीसरे हैं हमारे सुभाषीष बेहरा। तो आप तीनों को कांग्रेचुलेशंस हमारा फीचर कमेंटर होने पर। एंड अगर आप लोग भी हमारे फीचर कमेंटर बनना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस वीडियो पर कर देना है कमेंट, हमारे नेक्स्ट सेशन में हम पिक कर लेंगे आपका नाम हमारे फीचर कमेंटर के लिए। एंड बिना ज्यादा टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बात करें तो हमारी सबसे पहली और धमाकेदार खबर के बारे में, तो वो आ रही है पबजी की तरफ से। अब आप लोगों को पता चल गया होगा, नहीं चला तो मैं बता देता हूं, पबजी मोबाइल इंडिया जो आने वाला था उसका तो अभी कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पबजी का एक नया गेम जिसका नाम पबजी न्यू स्टेट होने वाला है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। प्ले स्टोर पे इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। अगर इंडियन यूजर हो आप तो अभी आपके लिए थोड़ी सी बुरी खबर यह है कि आप अभी प्ले स्टोर पे जाकर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, इस तरह की कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर से हो तो आप इस पर रजिस्टर कर सकते हो। एंड सीधा साधा आपको बताऊं तो आप गेम तो प्ले कर ही पाओगे, और भी बहुत तरीके होते हैं, तो पबजी की तरफ से कुछ नया और एक्साइटिंग हमें देखने को जल्दी ही मिल सकता है। एंड अब बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। जब पबजी की बात आई है तो फौजी के बारे में थोड़ा जिक्र कर ले। फौजी गेम आया था, उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जितना लोगों को उम्मीद थी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन फौजी के अंदर अब नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि गेम इनिशियल स्टेज में था तब इतनी चीजें नहीं थी, धीरे धीरे ऐड की जा रही है। तो अब सुनने को मिल रहा है कि फौजी मोबाइल के अंदर आपको जल्दी ही टीम डेथ मैच का ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आप जैसे पबजी के अंदर गन वगैरह लेकर के चार लोग इधर होते थे टीम में, चार उधर होते थे लड़ते थे, वैसी ही चीजें आपको फौजी गेम के अंदर भी बहुत जल्दी ही देखने को मिलेंगी। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फौजी गेम का थोड़ा सा ज्यादा मजा लोग उठा पाएंगे इस फीचर के आने के बाद में, इस ऑप्शन के आने के बाद में, क्योंकि पबजी में भी लोग इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे एंड अब फौजी में भी कर पाएंगे। एंड अब बात कर लेते हैं ट्विटर की तरफ से आ रही खबर के बारे में। ट्विटर ने अपना एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम होने वाला है सुपर फॉलो। एंड इस फीचर के अंदर ट्विटर अकाउंट से पैसे कमाने का आपको एक मौका मिल रहा है, जैसे अभी तक आप यूट्यूब वगैरह पे करते थे आपको एक ज्वाइन बटन मिलता था ना, वैसा ही। तो यहाँ पे जो भी आपके फॉलोअर होंगे जो आपके अकाउंट को सुपर फॉलो करना चाहते हैं उनको $5 का पेमेंट करना होगा, जिसमें से आपको भी कुछ पैसा मिलने वाला है। एंड जाहिर सी बात है ट्विटर भी अपने लिए रखेगा क्योंकि वो आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है। एंड यहाँ पे जो यूजर्स होंगे जो आपको फॉलो करेंगे या फिर आप किसी दूसरे को फॉलो करेंगे तो उनको कुछ एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट मिलेगा, कुछ स्पेशल ट्वीट्स मिलेंगे, कुछ बैजेस मिलेंगे, कुछ अलग से न्यूज लेटर वगैरह हो सकते हैं, ऐसा कॉन्टेंट होगा जो आपके सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। फ्री यूजर्स के लिए नॉर्मली आपके जो भी फ्लीट्स होते हैं ट्वीट होते हैं वो रहेंगे, लेकिन अगर आप एक सुपर फॉलोअर हो और आपने इस चीज के लिए पैसा दिया हुआ है तो वहां पे आपको कुछ एडिशनल चीजें भी मिल पाएंगी ट्विटर पे। अब बात करते हैं एक नए रूल के बारे में जो गवर्नमेंट ने अभी बनाया है 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब अभी तक आपका कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट आप सोशल मीडिया पर डाल देते हो तो वो अगर सोशल मीडिया कंपनी खुद हटाना चाहे किसी रीजन से तो हटा सकती है, गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल बनाया जिससे गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल कर सके कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट या किसी भी तरह की कोई भी चीज मिलती है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑर्डर देगी उस सोशल मीडिया कंपनी को उस कंटेंट को हटाने के लिए, एंड 36 घंटे के अंदर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चाहे उनकी वेबसाइट है या फिर ऐप है कोई भी चीज है वहां से उस कंटेंट को हटाना पड़ेगा। एंड दोस्तों अब बात करते हैं अगली खबर की जो आ रही है Xiaomi की तरफ से। अब Xiaomi इतना बड़ा नाम है कि इंडिया में मेरे ख्याल से अगर 10 में से 6 से 7 फोन इस्तेमाल होते होंगे तो वो Xiaomi के होते होंगे, और वही बात करते हैं इनकी इतनी ज्यादा सप्लाई है कि इनके फोन जो है वो कभी कभी स्टॉक में आपको मिल भी नहीं पाते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए Xiaomi ने अब डिसीजन लिया है कि वो अपने 3 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाने वाले हैं जहां पे आपके स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चर होंगे। तो अब आपके जो भी Xiaomi के प्रोडक्ट्स होंगे वो डायरेक्टली इंडिया में बन पाएंगे, एंड इसके चलते हो सकता है आपको थोड़े से और सस्ते प्रोडक्ट Xiaomi की तरफ से देखने को मिल जाए क्योंकि जो बनाने की कॉस्ट है जब बाहर से आता है तो वो सारी कॉस्ट थोड़ी सी बच जाएगी एंड आपको हो सकता है थोड़े सस्ते प्रोडक्ट देखने को मिले एंड ज्यादा देखने को मिले आपको अवेलेबिलिटी हर समय प्रोडक्ट की मिल पाए। एंड दोस्तों आपको पता होगा इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की अगर बात करें तो इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं कि लगता है कुछ समय बाद आपके जो व्हीकल हैं वो घर में खड़े खड़े पुराने हो जाएंगे, आप उनका इस्तेमाल करना ही बंद कर दोगे सिर्फ इस बढ़ते प्राइस के चलते। तो वहां पे इस चीज को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने एक डिसीजन लिया है। अब उनका क्या कहना है कि हमें पृथ्वी को बचाना है तो हमें ये चीजें कम करनी पड़ेंगी, एंड जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो यहां पे फ्लिपकार्ट का एक एम है जहां पे वो अपने सारे सामान को लाने के लिए चाहे आपका
डिलीवरी पर्सन है या पीछे से कोई भी सामान आ रहा है, इन सारी चीजों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। उन्होंने यहां पे कहा कि 2030 तक हम टोटली 25,000 व्हीकल्स का, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे अपने सामान को लाने ले जाने या फिर आप तक पहुंचाने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो पेट्रोल की जो ये झंझट होता है, जो प्राइसों में अचानक से हाइक हो जाता है, इस सारी चीज से आपको थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा। एंड हाँ, जो पॉल्यूशन होता है इसकी वजह से, धुआं वगैरह निकलता है, उससे भी आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। एंड बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप में एक नया फीचर आ गया है। वैसे तो ये लोग अक्सर कुछ ना कुछ लेकर के आते रहते हैं, लेकिन ये जो फीचर आया ये भी काफी ज्यादा जरूरी है एंड मेरे ख्याल से यूजफुल भी रहने वाला है। अभी तक क्या होता था, आप किसी को भी कोई वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हो तो आप उस आवाज के साथ में, मतलब बाय डिफॉल्ट जो उसकी आवाज है उसके साथ में सेंड करते थे। कई बार ऐसी आवाज होती है जो आप सामने वाले को नहीं सुनाना चाहते या फिर काफी ज्यादा परेशान करने वाली आवाज होती है, तो अब आप किसी भी वीडियो को सेंड करने से पहले उसमें चूज कर सकते हो कि इस वीडियो के साथ में आवाज सामने वाले को जाए या फिर ना जाए। तो ऐसे में आप अपनी वीडियो को म्यूट कर सकते हो, आपकी भी सरदर्दी बच जाएगी, सामने जिसके पास आपने वो वीडियो भेजा उसकी भी सरदर्दी बच जाएगी। एंड ये काफी अच्छा फीचर है, काफी यूजफुल भी है, और बाकी कितना कामयाब रहता है वो तो आने वाले समय में देख लेंगे। वही बात करते हैं गूगल की एक और एप्लीकेशन एंड्रॉइड मैसेजेस के बारे में। तो इसके अंदर आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिल गया है। अब अगर फिलहाल आपको नहीं मिला तो आने वाले एक दो दिन में मिल जाएगा या फिर एक दो हफ्ते भी शायद से आपको लग सकते हैं, लेकिन यहां पे आप अपने टेक्स्ट मैसेज को शेड्यूल कर सकते हो। तो अब आप अपने किसी भी दोस्त को रात को 12 बजे बर्थडे भी विश कर सकते हो एंड बाकी चीजें अगर आप चाहते हो तो वो सब भी कर सकते हो। इनका अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है रियलमी की तरफ से। जैसा मैंने आपको रिसेंटली बताया था, रियलमी अपनी नई सीरीज नार्जो 30 जो है वो लॉन्च करने वाला है, तो फाइनली लॉन्च हो गई है। इसके अंदर बताया जा रहा था या अनुमान लगाया जा रहा था कि 3 फोन लॉन्च होने वाले हैं। फिलहाल 3 तो नहीं हुए, 2 फोन हुए हैं, जहां पे एक तो आपका नार्जो 30 प्रो, दूसरा आपका नार्जो 30A। अब कीमत की बात करें तो देखो यहां पे 9,000 रुपए से कीमत शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो लगभग 17-18,000 रुपए तक इनकी कीमत जाती है। एंड जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि नार्जो 30 प्रो जो होगा सबसे सस्ता 5G फोन हो सकता है, वैसी कुछ चीजें हुई है। इसके अंदर आपको डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, एंड इसकी कीमत लगभग 16,000-17,000 रुपए से शुरू हो जाती है। एंड इसके बाद में आप वेरिएंट हाई की तरफ बढ़ोगे तो आपके थोड़े से पैसे और ज्यादा जाएंगे। वही बात करते हैं नार्जो 30A की, तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो उस हिसाब से भी। बाकी काफी सारे और भी स्पेक्स हैं इन्हीं फोन्स के जो आप गूगल करके देख सकते हो। अगर मैं पर्सनली इस वीडियो में कवर करने लगा तो भाई बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं करनी है। इस बार मैं चाहता हूं वीकली टेक न्यूज़ को थोड़ा सा और छोटा रखना, तो आप लोग गूगल की मदद ले लेना। तो दोस्तों बस यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जैसा मैंने आपको पहले बताया, फीचर कमेंटर बनना चाहते हो तो आपको कमेंट कर देना इस वीडियो पे और आपका नाम पिक कर लेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। नेक्स्ट जो भी टेक न्यूज होगी उसमें आपका नाम लेंगे। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देना प्रेस। मिलते आने वाले किसी नए एपिसोड में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।